माइनक्राफ्ट, बट नाउ आई एम बेंटन। हाँ गाइस, आप लोग बेंटन बन सकते हैं। वैसे आप लोगों को मेरी नई स्किन गाइस कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना। मेरे पास गाइस और कोई अच्छी स्किन नहीं थी इसलिए मैंने ये वाली चूज कर लिया। अगर आप लोगों के पास अच्छी स्किन है तो मुझे यार कमेंट में जरूर बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर अभी बेंटन बन सकता हूँ। ये रहा गाइस ओमनीट्रिक्स वाला गाइस बॉल, जो कि गाइस ऊपर से गाइस गिरता है मीटियोर की तरह। वो गाइस मीटियोर वाला बॉल गाइस यहाँ पर गिर चुका है, मतलब हम लोग ने यहाँ पर प्लेस कर दिया। एंड मैंने देखो गाइस इसको यहाँ पर खोल दिया है। एंड गाइस यहाँ पर म्यूजिक भी गाइस बज रही है। तो अभी गाइस हम लोग यहाँ पर ओमनीट्रिक्स को गाइस उठा सकते हैं। गेट ओमनीट्रिक्स का गाइस यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। चलो अभी हम लोग ओमनीट्रिक्स को गाइस उठा के देखते हैं। एंड मैंने गाइस इसको गाइस पहन लिया है। तो गाइस अगर मैं कहीं भी दबाऊंगा तो हम लोग कोई भी एलियन बन सकते हैं। ये देखो गाइस फोर आर्म्स, ग्रे मैटर, एक्सेलरेट अपग्रेड, फिर इसके अंदर डायमंड हेड है, रिप जॉज है, स्टिंग फ्लाई है, और कौन है घोस्ट ट्रिक है, फिर कैनन बोल्ट भी है गाइस इसके अंदर, हिट ब्लास्ट है, डिट्टो है गाइस इसके अंदर, डिट्टो भी है, आए गए ओके गाइस वो आए गए है, वाइल्ड विन है, बेन मम्मी है ओके गाइस हम मम्मी भी बन सकते हैं, वुल्फ भी बन सकते हैं, और वो विक्टर भी गाइस हम लोग बन सकते हैं, अपचक भी बन सकते हैं, एंड बे बिग भी बन सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता होगा बेंटन क्लासिक में गाइस सबसे पहला बेंटन एलियन बना था वो था हिट ब्लास्ट। तो हम लोग हिट ब्लास्ट से गाइस शुरुआत करते हैं। एंड गाइस ओके ये क्या हो रहा है यार, मैं शूट पे शूट गाइस करने जा रहा हूँ। ओके गाइस अगर मैं स्नीक करूंगा तो गाइस मैं फायर बॉल को गाइस मार सकता हूँ। ओके एंड ऊपर देखूंगा तो मैं उड़ूंगा और नीचे देखूंगा तो मैं वापस नीचे आ जाऊंगा। तो गाइस माइनक्राफ्ट में गाइस हिट ब्लास्ट कुछ इस तरीके का गाइस दिखता है। इसे गाइस रियल वाले से बनाने की गाइस पूरी गाइस कोशिश करी गई है, एंड रियल वाले की तरह ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। वैसे हम लोग यहाँ पर अनट्रांसफॉर्म भी गाइस हो सकते हैं, यानी कि हम लोग फिर से गाइस इंसान बन सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ओमनीट्रिक्स रिचार्ज हो रहा है, वो भी बहुत ज्यादा फास्ट। तो नाउ हम लोग गाइस अभी बनते हैं वे बिग। हाँ गाइस हम लोग अभी वे बिग बनेंगे। और जिन लोगों को नहीं पता कि बेंटन क्लासिक में वे बिग था, अब आप लोग बोलोगे भाई हम लोग ने बेंटन क्लासिक पूरा देखा है लेकिन उसके अंदर वे बिग बिल्कुल नहीं है। तो गाइस बेंटन क्लासिक में वे बिग नहीं है, लेकिन बेंटन क्लासिक की एक मूवी आई थी, आई थिंक वो 2007 में आई थी। वो गाइस मूवी थी सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स, उसके अंदर गाइस वे बिग को गाइस अपीयर किया गया था, एंड पहली बार वहां पर उसकी एंट्री हुई थी। और हम लोग यहाँ पर गाइस एक अटैक कर रहे हैं स्टॉम्प ग्राउंड नाम का। एंड गाइस हम लोग ने यहाँ पर पूरा गाइस खोद दिया, यहाँ पर थोड़ा सा गाइस गेम लैग भी हो रहा है। वैसे हम लोग वे बिग का वो ओपी वाला अटैक कर सकते हैं। हम लोग वैसा गाइस हाथ बना के गाइस वो जो बीम फेंकता है वो हम लोग फेंक सकते हैं गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। हम लोग वहाँ पर ऐसा यही वाली बीम गाइस फेंक सकते हैं। नाउ हम लोग बनने वाले हैं XLR8। हाँ गाइस अभी हम लोग XLR8 बन के देखते हैं कैसा होने वाला है। ओके XLR8 का गाइस डिजाइन गाइस बहुत अच्छा गाइस बनाने की इन लोगों ने कोशिश करी है, लेकिन XLR8 यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है क्योंकि मैं स्नीक हूँ। तो गाइस अभी हम लोग भाग के देखते हैं। ओके गाइस हम लोग कुछ ज्यादा ही गाइस तेज भाग रहे हैं, अगर हम लोग स्प्रिंट करेंगे गाइस तो हम लोग बहुत ज्यादा तेज भाग सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये बर्फ पे कैसे और ज्यादा तेज भागेगा, और ज्यादा तेज भाग रहा है। अभी हम लोग देखते हैं पानी में ये भाग सकता है नहीं, और कैसे ये पानी में भी भाग रहा है, इसका मतलब गाइस एक्सेलरेट इज ओपी। तो अभी मेरा उड़ने का मन कर रहा है इसलिए हम लोग बनेंगे स्टिंक फ्लाई। ओके गाइस अभी हम लोग स्टिंक फ्लाई बन के देखते हैं। यहाँ पर मैं ओके मैंने ट्रांसफॉर्म करना छोड़ दिया था, एंड यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अगर हम लोग ऊपर देखेंगे तो हम लोग उड़ेंगे। एंड गाइस ये कंटिन्यूसली गाइस फायर करे जा रहा है। ओके मैं स्नीक हूँ इसलिए, और गाइस इसका गाइस डिजाइन गाइस बहुत अच्छी बनाने की कोशिश करी है। माइनक्राफ्ट में भी गाइस ये बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अब हम ट्राई करेंगे कैनन बोल्ट बनकर। हाँ देखते हैं हम लोग वो बॉल बन सकते हैं, यानी कैनन बॉल बन सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग स्प्रिंट करेंगे तो हम लोग बॉल बन जाएंगे। एंड हम लोग एक मिली अटैक भी कर सकते हैं स्मैश ब्लॉक नाम का, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिली अटैक कैसे करते हैं। ओके तो हम लोग स्प्रिंट करेंगे तो गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग पानी को भी गाइस छींटते हुए जा रहे हैं। गाइस हम लोग यहाँ पर यार पूरी तबाही मचा के रख दिए, हम लोग पूरा वर्ल्ड गाइस डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब अपन बन के देखते हैं आए गाय नाम का गाइस बंदा, जो कि गाइस यार मैंने ज्यादा मुझे इतना पसंद है नहीं आएगा क्योंकि मैंने उससे ज्यादा देखा भी नहीं है। मेरे सबसे गाइस ये भी उस पिक्चर में ही था सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स में। ओके हम लोग यहाँ पर एक लेजर फेंक रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से फेंक रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके तो जो इसकी आंखें हैं उसके अंदर से गाइस ये फेंकता है कुछ इस तरीके से। ओके मेन वाली आंख से नहीं फेंक रहा है, साइड साइड की आंखों से फेंक रहा है, लेकिन गाइस ये बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग बन के देखते हैं फर्स्ट वर्जन ऑफ एको एको, यानी कि डिटो, जो कि गाइस पहला था, जो कि गाइस ऐसा बन सकता था, गाइस अपने आप को गाइस क्लोन कर सकता था। ये देखो गाइस मैंने क्लोन कर लिया है स्नीक करके। तो गाइस डिटो को गाइस बहुत अच्छे से गाइस इन लोगों ने शेप दिया, अगर हम लोग स्प्रिंट करेंगे तो गाइस हमारा क्लोन बना सकते हैं। ओके गाइस अनदर एलियन। हाँ गाइस ये ऐसा गाइस डायलॉग था क्लासिक में गाइस उसका। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो लोग क्रीपर को मारने जा रहे हैं। हम लोग गाइस अनलिमिटेड गाइस आई थिंक कर सकते हैं डिटो को। वैसे हम लोग कितने भी क्लोन बना लें लेकिन हम लोग एक बटन में इन लोगों को क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग बन के देखते हैं वाइल्ड विन। ओके अभी हम लोग वाइल्ड विन बन के देखते हैं क्या होता है। ओके मैं वाइल्ड विन बन चुका हूँ। यहाँ पर गाइस अगर हम लोग ऐसा कुछ करें तो ओके गाइस मैं यहाँ पर स्पाइडरमैन गाइस बन चुका हूँ वाइल्ड विन की मदद से। एंड गाइस हम लोग गाइस ऐसा गाइस चढ़ सकते हैं कोई भी जगह पर, टेलीपोर्ट कर सकते हैं, आई मीन देखते हैं हम लोग वहाँ पर कर पाते हैं नहीं। ओके गाइस हम लोग इतना दूर भी कर सकते हैं। तो इसके पास एक और एक शक्ति है गाइस, अगर हम लोग स्नीक करेंगे तो हम लोग कुछ ट्रैप गाइस चीज गाइस फेंक सकते हैं वाइल्ड विन के। हम लोग अभी किसी पर ट्राई करके देखते हैं। ओके इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या फेंक रहा है। ओके गाइस ट्रैप का मतलब मुझे समझ में आ चुके हैं। हम लोग इन लोगों को सफोकेट कर यहाँ पर कर सकते हैं ब्लॉक 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 में डाल के गाइस, एंड यहाँ पर ये ट्रैप जैसा ही है। तो यहाँ पर अभी हम लोग बनने वाले हैं इजिप्ट की मम्मी, यानी कि बैन मम्मी। हाँ गाइस हम लोग अभी मम्मी बनने वाले हैं। एंड यहाँ पर इसके पास भी गाइस वही वाली शक्ति, हम लोग गाइस ऐसा गाइस स्पाइडरमैन बन के यहाँ जा सकते हैं, लेकिन गाइस इसकी गाइस रेंज बहुत ही ज्यादा कम है, इसका मतलब ये वाइल्ड विन जितना ओपी नहीं है।
तो गाइस माइनक्राफ्ट में ये है गाइस कुछ ऐसा लुक गाइस इस बैंग मम्मी का। एंड गाइस ये गाइस इसके गाइस देखो गाइस आप लोग कैसा गाइस हाथ फैला रहा है, लेकिन इसकी गाइस रेंज इतनी बड़ी नहीं है कि कुछ कर सकते। वैसे इसके पास जंप बूस्ट भी है। तो नाउ अब मेरा मन कर रहा है वेयरवुल्फ बनने का, लेकिन हम लोग बनेंगे वेयरवुल्फ नहीं बैनवुल्फ। ओके अभी हम लोग बैनवुल्फ बन के गाइस देखते हैं कैसे बनता है ये बैनवुल्फ। एंड गाइस हमारे हाथ देखो गाइस कैसे हो चुके हैं। एंड हम लोग गाइस कुछ कर सकते हैं कि मैं एक बीम फेंक सकता हूं गाइस सोनिक हाउल नाम की स्नेक कर। तो गाइस मेरे सबसे वो जो मुंह खोलता है गाइस वो वाली ये बीम है। अभी हम लोग देखते हैं गाइस ये मुंह खोलता है नहीं माइनक्राफ्ट के अंदर। वैसे इसका लुक तो ठासू है लेकिन ये मुंह खोलता है नहीं। ओके गाइस ये मुंह खोल रहा है मेरे हिसाब से। ओके गाइस हाँ ये मुंह खोल रहा है, इसका मतलब है जैसे गाइस रियलिस्टिक बनाने की पूरी कोशिश करी गई है और ये कोशिश अच्छी भी है। वैसे इसके पास भी जंप बूस्ट है जिसका नहीं है कोई मैटर, वो है ग्रे मैटर। अभी हम लोग ग्रे मैटर गाइस बनकर देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। ओके हमारी विजिबल गाइस छोटी नहीं हुई है लेकिन हम लोग शायद से छोटे हो चुके हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग इतने ज्यादा गाइस छोटे हो चुके हैं यार, आप लोग देख सकते हो मैं दिख भी नहीं रहा हूँ अच्छे से। तो अब हम बन के देखते हैं गाइज हमारा वाइल्ड मट, जो कि गाइज अभी देखते हैं कैसा वाला होने वाला है। एंड गाइज हम लोग बन चुके हैं यहाँ पर, गाइज ग्रीन ग्रीन पूरा हो चुका है जैसे कि आप लोगों को पता होगा गाइज कि वाइल्ड मट को ग्रीन दिखता है। वैसे गाइज हम लोग अगर सीट करेंगे तो गाइज हम लोग ऐसा ब्लॉक तोड़ सकते हैं, यानी कि गाइज एक माइनर की तरह काम करता है। वैसे हमारे पास गाइज जंप बूस्ट भी है। वैसे यहाँ पर वाइल्ड मट की एक खासियत है कि गाइज हम लोग अगर थर्ड पर्सन में इसको देखे तो गाइज ये पूरा गाइज वैसे दिखता है, ग्रीन ग्रीन नहीं दिखता है। हम लोग जंप बूस्ट मार के गाइज ऊपर आ सकते हैं, माइन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो नाउ अभी हम लोग बनने वाले हैं अपग्रेड। हाँ गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड होने वाले हैं एंड अपग्रेड बनने वाले हैं। ओके गाइस अगर हम लोग स्नीक करेंगे तो गाइस हम लोग एक लेजर टाइप की गाइस चीज यूज कर सकते हैं। वैसे गाइस हम लोग ये गाइस क्या है मर्ज विद आरबी, मैं गाइस समझ नहीं पा रहा हूँ मर्ज विद आरबी क्या होता है। वैसे यहाँ पर आरबी का मतलब रस्ट बकेट्टा गाइस। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस लुक कितना अच्छा है। वैसे मैं मर्ज नहीं कर पा रहा हूँ रस्ट बकेट के साथ, लेकिन हम लोग देखेंगे यार आगे क्या होने वाला है, हम लोग आगे देखते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर रस्ट पकेट चला सकते हैं, एनिमा हमारी आरबी चला सकते हैं, हमारी ग्रैंडपा मैक्स की गाड़ी हम लोग चला सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ कर दिए मैंने। वैसे इस गाड़ी का लुक इन लोगों ने बहुत अच्छा रखा है, लेकिन यहाँ पर ग्वेन और बेंस होते हैं वो जगह मुझे मिसिंग लग रही है। वैसे यहाँ पर किचन भी है एंड बैठने के लिए जगह भी है। एंड यहाँ पर गाइस बहुत अच्छी अच्छी जगह भी है। एंड गाइस हम लोग इसे मार भी सकते हैं। तो अब हम लोग बनने वाले हैं बेन विक्टर। अभी बेन विक्टर देखते हैं हम लोग गाइस कैसा बनने वाले हैं। एंड ओके मैं बेन विक्टर बन चुका हूँ एंड हम लोग यहाँ पर कुछ तो गाइस कर सकते हैं। ये है गाइस रीजनरेट नाम की गाइस चीज। ओके गाइस हम लोग ऐसा रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे रीजनरेट की नहीं गाइस। ओके मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक बीम गाइस आई थिंक मैं फेंक सकता हूँ कुछ। एंड गाइस यहाँ पर मैंने फेंकना चालू कर दिया। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो वैसे ज्यादा हेल्थ तो नहीं जा रही है, लेकिन गाइस हम लोग ऐसा इलेक्ट्रिक फेंक सकते हैं। तो गाइस इसका लुक गाइस मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ऐसा लग रहा है गाइस कि एकदम पेपर की गाइस इसकी शक्ल है, आप लोग गाइस गौर से देखो। तो नाउ अभी हम लोग बनने वाले हैं पानी के दानव, यानी कि रिप जॉस। ओके हम लोग अब यहाँ पर रिप जॉस गाइस बनने वाले हैं। हम लोग रिप जॉस बन चुके हैं, हम लोग अभी पानी के बाद जाके देखते हैं। तो यहाँ पर रिप जॉस का गाइस लुक गाइस बहुत अच्छे से गाइस करने की इन लोगों ने कोशिश करी है। मुंह गाइस थोड़ा सा बड़ा रखा है, दांत भी गाइस बड़े बड़े रखे हैं। ये गाइस स्विम भी बहुत ज्यादा फास्ट कर रहा है। ये गाइस तैरता तो गाइस फास्ट है, लेकिन गाइस जिसके पास और ज्यादा कोई ताकत होती तो गाइस मजा आ जाता, लेकिन यार तैरने में भी यार थोड़ी सी गाइस शक्ति होती है इसका मतलब। तो अब बनने वाले हैं गाइस हम लोग भूत। हाँ गाइस अभी हम लोग घोस्ट फ्रीक बनने वाले हैं। अभी घोस्ट फ्रीक हम लोग बन के देखते हैं क्या होने वाला है। एंड गाइस जिसने गाइस बहुत ज्यादा हल्ला मचाया था, ओके अगर हम लोग ऊपर देखेंगे तो हम लोग उड़ सकते हैं, नीचे देखेंगे तो हम लोग वापस आ सकते हैं। लेकिन हम लोग यार कुछ भी गाइस करें यार, अभी हम लोग ऊपर जाके देखते हैं। वैसे गाइस थोड़ा सा धुंधला धुंधला लग रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से अभी दिन हो रहा है ना इसलिए। तो जैसा मैंने कहा था घोस्ट फ्रीक थोड़ा धुंधला धुंधला लगता है धूप में गाइस मेरे हिसाब से। अभी रात होंगी तो मुझे नहीं पता ये कैसा लगने वाला है। तो गाइस अभी हम लोग बनने वाले हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ गाइस अभी हम लोग बनने वाले हैं अपचक, क्योंकि अपचक में होती है थूकने वाली पावर। ओके हम लोग अपचक बनने वाले हैं, हम लोग अपचक बन चुके हैं। तो अगर मैं स्लाइम खाऊंगा तो गाइस मैं स्लाइम गाइस थूक सकता हूँ, अगर मैं टीएनटी खाऊंगा तो मैं गाइस कुछ एक्सप्लोसिव चीज गाइस थूक सकता हूँ। तो अगर हम लोग स्नेक करेंगे गाइस तो हम लोग इसी स्लाइम ब्लॉक को गाइस खा सकते हैं। मैंने स्लाइम ब्लॉक को खा लिया एंड हम लोग यहाँ पर थूक के देखते हैं। ओके गाइस मैंने थूक दिया इसको गाइस थोड़ा सा एसिड कह सकते हैं। अभी हम लोग टीएनटी खाते हैं एंड इसको भी थूकते हैं। ओके गाइस ये थोड़ा सा अंदर था। वैसे माइनक्राफ्ट वालों ने गाइस इसका लुक गाइस बहुत अच्छे से गाइस बनाने की कोशिश करी है एंड मुझे इसका लुक थोड़ा बहुत अच्छा लगा। वैसे गाइस थूकना अच्छी बात नहीं होती है और ये यार कुछ भी खाता है और थूक देता है। तो अब बचे हैं टॉप टू एलियन, उसमें से गाइस हम लोग पहले बनने वाले हैं डायमंड हेड, जो कि गाइस मेरा थोड़ा बहुत यार फेवरेट है। अगर हम लोग स्नीक करेंगे तो हम लोग गाइस कुछ फेंक सकते हैं बॉल टाइप की चीज, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर स्नीक करेंगे तो आप लोग यार देख सकते हो हम लोग डायमंड फेंक सकते हैं, लेकिन डायमंड हेड वाले डायमंड रियल वाले नहीं। एंड गाइस इन माय ओपिनियन गाइस कि मुझे डायमंड हेड का गाइस लुक बिल्कुल भी गाइस अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इन लोगों ने गाइस डायमंड हेड को बहुत ही ज्यादा पतला बना दिया। इसकी गाइस बॉडी वॉडी भी नहीं रखी है एंड इसे गाइस एकदम वियर्ड टाइप का बना दिया है। एंड फाइनली अभी हम लोग बनने वाले मेरे बेंटन क्लासिक का सबसे ज्यादा फेवरेट एलियन, यानी कि फोर आर्म्स। हम लोग गाइस बन चुके हैं फोर आर्म्स और हम लोग यहाँ पर एक सोनिक क्लैप मार सकते हैं अगर हम लोग स्नीक करेंगे तो। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हो यार इसके चार हाथ गाइस पूरे स्क्रीन पे गाइस घूम रहे हैं एंड मुझे गाइस थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, यानी स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही है। एंड हम लोग यहाँ पर गाइस ताली मार सकते हैं, यहाँ पर पूरी गाइस चीजों को उजाड़ सकते हैं, यानी कि हम लोग पूरी गाइस स्नोबॉल गाइस यहाँ पर उखाड़ सकते हैं।
वैसे थर्ड पर्सन में फोर आर्म्स बिल्कुल भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो गाइस उसकी शक्ल ही नहीं दिख रही है, लेकिन अगर हम लोग ऊपर देखेंगे तो उसकी शक्ल दिख जाती है। वैसे गाइस इसका फेस गाइस बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करिए है। एंड गाइस आप लोगों को कौन सा गाइस बेंटन एलियन अच्छा लगता है? मुझे फोर आर्म्स लगता है। वैसे गाइस मैं आई एम बेंटन पर एक नई सीरीज लाने वाला हूँ, अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो यार सब्सक्राइब करके रख लो। तो गाइस अगर आप लोगों को ऐसे मोड पे गाइस अलग अलग मोड पे गाइस आप लोगों को वीडियो देखनी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो। सो गाइस आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन हास्टा ला वीस्टा।